गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टूडे विल डिसकस मॉर्गन थियोरम एंड हाफ अडर एज वेल एज फुल अडर इन दिस लेक्चर फोर ऑफ यूनिट फाइव सो मॉर्गन थियोरम वॉज डिस्कवर्ड बाई ऑगस्टस डी मॉर्गन और ऑगस्टस ने दो इम्पॉर्टेंट थियोरम्स दी थी बुलेनजबरा की जिनको हम डेमोगन थियोरम वन एंड डेमोग थियोरम टू के नाम से जानते हैं द फर्स्ट थियोरम सेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स मतलब उसको हम इस तरीके से शो करेंगे दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट हमारे पास दो इनपुट्स हैं उसको हमने उसका प्रोडक्ट किया मतलब ए डॉट बी किया और उसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स दैट मीन्स इंडिविजुअली इफ फील कॉम्प्लीमेंट ए एंड बी एंड द सम ऑफ दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी होल बार सो the एक्सप्रेशन फॉर द सेम will बी a dot b होल बार इज़ इक्वल्स टू a बार प्लस b बार और इसी दोनों पार्ट को अगर हम सिंबॉलिकली गेट्स के हेल्प से शो करें तो ये जो ए डॉट बी होल बार जो है वो नाइन गेट का आउटपुट है तो ये नाइन गेट यहाँ बनाया हुआ है राइट हैंड साइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मतलब हमको यहाँ पर दो नॉट गेट चाहिए होंगे जो यहाँ पे लगे हुए हैं इस तरीके से ए बी इनपुट दिया हमने और उन दोनों को ऐड किया सम करना है तो सम करने के लिए हमको और गेट की ज़रूरत है तो यहाँ और गेट का जो आउटपुट आएगा फाइनली वो आ जाएगा ए बार प्लस बी बार सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अब इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हमको देखना है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं है तो हम ये टेबल की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं तो इस ट्रूट टेबल में देखिए हमने दो ए बी दो इनपुट लें अब इनपुट दो हैं तो कॉम्बिनेशन चार होंगे ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन वन ज़ीरो वन 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 एक इसके कॉम्प्लीमेंट भी हमने ले लिए वन वन जीरो जीरो और जीरो वन जीरो वन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन जीरो वन जीरो यहाँ पर ए डॉट बी कर लिया हमने और ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट भी कर लिया तो जब आप इसको देखेंगे तो हमको मिलेगा वन 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 जीरो रिस्पेक्टिव चारों केसेस के हिसाब से और सिमिलरली हम जब ये ए बार बी बार ए बार प्लस बी बार करेंगे इंडिविजुअल केस के लिए तो हमको ये वैल्यूज़ मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी एक केस लूँ सपोज़ हम ये थर्ड केस थर्ड केस लेते हैं तो थर्ड केस में हमको ये मालूम है जब भी नाइन गेट में हम वन और ज़ीरो इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है वन और अगर मैं ए बार प्लस बी बार करूँ तो यहाँ पर ए बार हो जाएगा ज़ीरो और बी बार हो जाएगा वन तो ज़ीरो प्लस वन विल गिव यू वन सिमिलरली ये चारों केसेस जो हैं वो ये बताते हैं कि ए डॉट बी होल बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार ये हो गया प्रूफ अगर थ्री इनपुट के लिए रहेगा तो हम ये फॉर्म्यूला उसके लिए अप्लाई करेंगे ए डॉट बी डॉट सी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस ई बार एंड ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस डी बार दिस वॉज डिमोगन फर्स्ट थ्योरम नाउ कम्स टू द दोग सेकेंड थियोरम डेमोग सेकेंड थ्योरम सेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स वॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम

ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार इसको फिर अगर हम लॉजिक गेट से बताएंगे तो ए प्लस बी बार जो है वो नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बार डॉट बी बार को अगर हमको देखना पड़ेगा तो यहाँ पे हमको दो नॉट गेट लगाने पड़ेंगे रिलाइज़ करने के लिए और यहाँ पर एक एंड गेट लगाएंगे जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और ये टुट्टे पर लगे सेकेंड की यहाँ पर भी इसको हम वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे लास्ट क्लास में लिया था आप चाहें तो इसमें से कोई भी केस उठा के इसको जस्टिफाई कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पहला केस लेते हैं जीरो जीरो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन वन और हमको चाहिए ए प्लस भी होल बार ए प्लस भी होल बार मतलब ए मतलब प्लस भी मतलब जीरो प्लस जी जीरो प्लस जीरो ज़ीरो प्लस जीरो का होल बार कितना हो जाएगा वन और हमको यहाँ ए बार डॉट बी बार देखें इसी केस के लिए तो ए बार भी वन है बी बार भी वन है वन डॉट वन क्या हो जाएगा आपका वन तो इस केस में हम देखेंगे तो ये यहाँ पर ये वन और वन दोनों बराबर हैं सिमिलरली बाकी तीन केसेस के लिए भी हमको सेम आउटपुट मिलेंगे हैंज प्रूव दैट डेमोग थ्योरम हैज़ बीन प्रोवन बाय द हेल्प ऑफ टू टेबल और सिमिलरली यहाँ पे भी तीन इनपुट के लिए और चार इनपुट के लिए यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये तो हो गया हमारा डेमोग थ्योरम नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट जो भी हम डिजिटल कंप्यूटर्स या कैलकुलेटर्स जो भी यूज़ करते हैं वो एरेथमेटिक और लॉजिक सर्किट से बने होते हैं और फ्लिप फ्लॉप से फ्लॉप जो है वो एक मेरे मेमोरी सेव uh, को सेव करने वाला uh, एक uh, बहुत ही छोटा सा डिजिटल uh, सर्किट है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी हम देखते हैं फिलहाल कि डिजिटल सिस्टम किन दो बेसिक सर्किट से मिल बना हुआ है तो दो टाइप के सर्किट होते हैं बेसिकली एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है सिक्वेंशियल सर्किट इन दी कॉम्बिनेशनल सर्किट द आउटपुट ऑफ एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दी प्रेजेंट इनपुट वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट और इसके एग्जाम्पल है एडर्स दट मीन्स हाफ एडर फुलडर मतलब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हमने जैसा इनपुट दिया वैसा हमको उस टाइम पर आउटपुट मिल जाएगा लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट अलग है सिक्वेंशियल सर्किट में दी आउटपुट ऑफ एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दी प्रेजेंट वैल्यू एज वेल एज दी पास्ट आउटपुट ऑल्सो पास्ट आउटपुट को भी ये कंसिडर करता है मतलब मेमोरी एलिमेंट जो कि मेमोरी उसको स्टोरेज को डेटा को सेव करने के लिए तो सिक्वेंशियल सर्किट का जो एग्जाम्पल है वो है फ्लिप फ्लॉप और कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो एग्जाम्पल है वो है एडर्स तो देखते हैं दो हाफ आर्डर फुल आर्डर आपके कोर्स में है सिलेबस में है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है तो हाफ आर्डर देखते हैं हाफ आर्डर इज द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म्स द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड अ हाफ एडर मतलब दो बाइनरी बिट्स को ऐड करने का काम करने वाला जो सर्किट है वो हाफ आर्डर कहलाता है तो ये बना हुआ है हाफ एडर जब भी हम कोई दो बेट्स को ऐड करते हैं तो हमको कम सम भी मिलता है और कैरी भी मिलता है कैसे जैसे डेसिमल में हम ऐड करते थे नौ और एक को तो हमको क्या बोलता था दस तो हम कैसे करते थे नाइन प्लस वन ऐसे करते थे नाइन प्लस वन जब आप करते थे तो हम क्या करते नाइन प्लस वन ज़ीरो ये हो गया सम और उसके बाद हम हासिल लगाते थे हासिल लगाना मतलब वो कैरी तो ये कैरी हमारा क्या आता था वन तो ये हमारा ज़ीरो हो गया सम और ये वन हो गया हमारा कैरी इस तरीके से हम बाइनरी में भी करेंगे तो बाइनरी में ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो और कैरी क्या होता है कैरी आएगा ही नहीं तो कैरी ज़ीरो है ज़ीरो प्लस वन क्या होगा वन कैरी क्या होगा ज़ीरो वन प्लस जीरो वन कैरी ज़ीरो एंड वन प्लस वन जब भी हम बाइनरी में ऐड करेंगे वन प्लस वन तो हमें मिलेगा सम ज़ीरो एंड कैरी वन तो यहाँ पे दिया हुआ है सम ज़ीरो और कैरी वन अब ये सम और कैरी के आउटपुट्स जो हैं वो आ कहाँ से रहें तो हम सिमिलरली इसका जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें लॉजिक डायग्राम तो वो ये है जब ए बी दो इनपुट हमने दिए यहाँ पे हमको सम जो देगा वो गेट देगा और कैरी जो मिलेगा हमको वो मिलेगा गेट से एक्सप्रेशन से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है सम का एक्सप्रेशन ए एक्जॉर बी मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार जो कि गेट का आउटपुट और कैरी हमको मिलेगा ए डॉट बी से और ये ट्रूथ टेबल से भी प्रूफ हो रहा है तो इसको भी आप इससे जस्टिफाई कर सकते हैं फिर आया फुल आर्डर अब ये दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं तो हम हाफ अंडर यूज़ करेंगे अब अगर हमको थ्री बेड को यूज़ करना है तो क्या करेंगे थ्री बिट्स को ऐड करना है थ्री बिट्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फुल आर्डर तो फुल आर्डर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स एरिथमेटिक सम ऑफ थ्री इनपुट बेड्स एंड प्रोड्यूसिस टू आउटपुट्स दैट इज सम एंड कैरी अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया यहाँ पर हमको अगेन एक्जोर गेट ही मिलेगा जिसमें हम तीन इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलेगा ए एग्जॉर बी एग्जॉर सी और नीचे हमको तीन एंड गेट चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कैरी है वो बन रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी अब प्रोडक्ट करने के लिए तो हमारे पास इंडिविजुअल एंड गेट्स हैं और इसको जब ऐड करना है बीच में तो ये प्लस प्लस साइन भी है प्लस मतलब और गेट तो ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है यह देखिए यहाँ पे पहले एंड गेट में हमने ए बी इनपुट दिया दूसरे में बी सी इनपुट दिया और तीसरे में ए सी इनपुट दिया इसका जो आउटपुट है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आए और इन जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने ऐड कर दिया और गेट की हेल्प से तो हमको और गेट की हेल्प से आउटपुट जो मिला वो मिला ये तो हमारा सम और कैरी का ये एक्सप्रेशन है इसको अगर आपको देखना है चेक करना है तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल भी बनी हुई है इस ट्रूथ टेबल की हेल्प से आप फुल ऑर्डर को चेक कर सकते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लास्ट केस लूँ वन 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 तो हमारे को पता है अभी हमने देखा था वन प्लस वन बाइनरी में क्या हो जाता है वन ज़ीरो मतलब सम ज़ीरो एंड कैरी वन अब यहाँ पे वन प्लस वन तो हो गया ओके अब हमको यहाँ पे एक वन और ऐड करना है तो जीरो प्लस वन विल गिव यू वन एंड वन यहाँ पे एज इट इज़ कैरी में आएगा मतलब यहाँ पर सम भी वन और कैरी भी वन तो यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे कैरी भी वन आ रहा है और सम भी वन आ रहा है ऐसे ही बाकी सारे केसेस के लिए अभी आप कैलकुलेट करके खुद ही से उसको चेक कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज़ लेक्चर आज हमने डेमोग के फर्स्ट और सेकेंड थे और हम पढ़े फिर हाफ आर्डर फुल आर्डर पढ़ा अब इसको आज आप रिवाइज uh, करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको uh, आगे वाला पार्ट यानी कि फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे थैंक यू